हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर स्टडी करेंगे ट्रेंड एनालिसिस। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेंड एनालिसिस का अर्थ क्या होता है। देखो, जो ट्रेंड एनालिसिस है ये भी बेसिकली क्या होता है कि जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हैं उसका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है। तो यहाँ पे ये हमें उसका बिहेवियर बताता है, ये बताता है कि वो अपर ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो यहाँ पे हम जो स्टेटमेंट के अंदर आइटम्स होती हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम एक बेस ईयर, जैसे मान लो हमारे पास 4 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो हमने 1 साल को बेस ईयर ले लिया, उसके बेसिस पे क्या है कि हमने 3 सालों का जो है ट्रेंड रेशियोज़ कैलकुलेट किया है। तो उससे हमें पता चलता है कि चीज़ें जो हैं ऊपर जा रही हैं कि डाउनवर्ड ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है कि डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो किस तरह का ट्रेंड है। यहाँ पे हम 1 साल को बेस लेते हैं, उसके कंपैरेटिवली हम जो है चेंजेस को मेयर करते हैं, और यहाँ पे जो बेस ईयर की फिगर्स होती है उसको हम 100 मानते हैं और उसके बेसिस पे ट्रेंड रेशियोज जो है कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे देखो क्या है कि हम एक जो 1 साल की, मतलब जैसे मान लो हमारे पास 2015 है, 16 है, 17 है, 18 है, तो हमने 2015 को बेस ले लिया, तो बाकी की जो स्टेटमेंट है उस बेस ईयर के कंपैरेटिवली हम स्टडी करते हैं। और यहाँ पे जो हम बेस ईयर सेलेक्ट करते हैं ये नॉर्मल होना चाहिए, और जो बेस स्टेटमेंट के अंदर जो हर चीज़ होती है उसको हम 100 मान के चलते हैं। और देखो यहाँ पे अगर हमने 2015 को बेस लिया है और 2016 का ट्रेंड रेशियो कैलकुलेट कर लिया है, मान लो वो आइटम सेल है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सेल इन 2016, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सेल इन 2015, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आइटम इन द स्टेटमेंट अंडर स्टडी जिस साल की फाइनेंशियल ईयर के अंदर उस वैल्यू, जैसे हमने सेल को लिया है या किसी खर्चे को लिया है, तो वही पर्टिकुलर खर्चा बेस ईयर में कितना है उससे हमने डिवाइड कर देना है, और जो रेशियो जो वो आ जाता है उसको हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करके उसकी परसेंटेज निकाल लेनी है। और देखो अगर हम ट्रेंड रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ईयर को हम बेस ईयर मान रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है कि ये कंडीशन है कि काउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस जो हैं सेम होनी चाहिए, उसके अंदर चेंजेस नहीं होनी चाहिए। अगर वो चेंजेस होती हैं तो यहाँ पर हम ट्रेंड रेशियोज जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते। और देखो जो आइटम्स का आपस में लॉजिकल रिलेशन है वही ट्रेंड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये जो इंफॉर्मेशन है वो उसके अंदर 1 साल की होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कि हम 2016 को बेस ईयर लें। तो यहाँ पे देखो हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2016 का, 17 का, 18 का दिया है, और यहाँ पे हमें खर्चा भी दिया हुआ है, परचेज ऑफ स्टॉक भी दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट भी रेवेन्यू में से परचेज ऑफ स्टॉक माइनस करके हमारे पास ये फिगर है, ये फिगर है, ये फिगर है, और उसके अंदर जो हम सैलरी और वेजेस देते हैं वो माइनस करके हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2016 का इतना है, 2017 का इतना है, 2018 का इतना है, फिर उसके अंदर से हमने इनकम टैक्स माइनस कर देना है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है हमारे पास आ जाता है। अब देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि बेस ईयर जो है हमने 2016 को लेना है, तो नेचुरली जब हम ट्रेंड कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 2016 की हर एक आइटम जो है वो 100 मानेंगे। अब 2017 के अंदर देखो जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका हमने ट्रेंड रेशियो कैलकुलेट करना है, तो देखो 2016 के अंदर वैल्यू कितनी है, 2 लाख है, और 2017 के अंदर कितनी वैल्यू है, तो वहाँ पे उन्होंने हमें कहा था कि अगर हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का ट्रेंड रेशियोज कैलकुलेट करना है तो 2,50,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, ये 125 आ जाता है परसेंटेज। इसका मतलब है कि अगर देखो 100 से ज़्यादा आता है तो यहाँ पे ट्रेंड ज़्यादा आता है, तो इट मींस कि ये हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे 25% के मुकाबले में पहले से इंक्रीज़ हुआ है। और उसी तरह क्या है कि देखो जैसे 2018 के अंदर है तो यहाँ पे हमने 3 लाख को 2 लाख से डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 150 है। 2016 के मुकाबले में जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 50% से इंक्रीज़ हुआ है। और उसी तरह हमने परचेज ऑफ स्टॉक का ट्रेंड कैलकुलेट करना है, तो परचेज ऑफ स्टॉक जो है 2017 में 1,10,000 है, उसको 1 लाख से डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे जैसे जैसे हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारा खर्चा भी जो है स्टॉक 10% के हिसाब से इंक्रीज़ हुआ है। और उसी तरह जब हम 2018 का कैलकुलेट करेंगे, 1,30,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख
और इसको हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हमारा देखो जो है 30% के हिसाब से इंक्रीज़ हुआ है। और उसी तरह जो ग्रॉस प्रॉफिट है, देखो 2016 में 1,00,000 है, 2017 में 1,40,000 है, 2018 में 1,17,000 है। तो जब हमने 2017 का ट्रेंड कैलकुलेट करना है तो 1,40,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 इंटू 100, तो यहाँ पे देखो ग्रॉस प्रॉफिट भी जो है 140 से, इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट भी जो है हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पे 2018 के अंदर भी 1,70,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 इंटू 100, तो यहाँ पे भी ये 170%, तो इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट जो है पहले 100 से 140 हो गया, फिर 170 हो गया, 2017 में ये 40% से इंक्रीज़ हुआ है, 2018 में ये 70% से इंक्रीज़ हुआ है, तो इट मीन्स ये अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है। और उसी तरह जो हम सैलरी और वेजेस पे करते हैं, एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देते हैं, वो बेस ईयर के अंदर 75,000 है, 17 के अंदर वो 90,000 है, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 75,000 इंटू 100, तो ये 120% है। तो देखो साथ के साथ में क्या है कि हमारा जो खर्चा भी है, अगर हमारा इनकम बढ़ा है तो खर्चा भी बढ़ा है, तो वो 20% के हिसाब से बढ़ा है। और उसी तरह ही 2018 में ये यहाँ पे हमने 1,00,000 को 75,000 से डिवाइड कर दिया, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 133.33 आता है। और उसी तरह ही देखो जो हमारा नेट प्रॉफिट, जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट से एम्प्लॉय का बेनिफिट माइनस कर दिया, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, तो यहाँ पे 2016 में ये 25,000 है, 2017 में 50,000 डिवाइडेड बाय 25,000 कर दिया, तो ये 200 है। इसका मतलब है कि हमारा जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो डबल हो गया, डबल टाइम से इंक्रीज़ हुआ है। और उसी तरह 2018 के अंदर ये 280 है, तो यहाँ पे 70,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 100। और उसी तरह हमने इनकम टैक्स जो है देखो, बेस ईयर में 12,000 है और 17 में ये 15,000 होता है, तो टैक्स भी हमारा जो है 25% से इंक्रीज़ हुआ है। और उसी तरह क्या है कि हमारा यहाँ पे भी जो टैक्स है, यहाँ पे देखो 12,000 से ये 25,000 हो गया, तो यहाँ पे हमारा डबल से 208.33 से इंक्रीज़ हुआ है। और उसी तरह ही नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 13,000 से 35,000 हो गया, फिर 45,000 हो गया, तो 35,000 डिवाइडेड बाय 13,000, तो ये आ जाता है 269.23, तो इसका मतलब है कि नेट प्रॉफिट भी जो है हमारा 169.23 से इंक्रीज़ हुआ है। और उसी तरह यहाँ पे हमारा जो है 246.15 के हिसाब से चेंज हुआ है, क्योंकि ओवरऑल जो है जो हमारा 2018 के अंदर टैक्स है वो 346.15 है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सिचुएशन जो है, उसके प्रॉफिट जो है, उसकी अर्निंग जो है पहले से इंक्रीजिंग ट्रेंड जो है शो कर रही है। और उसी तरह हम बैलेंस शीट के अंदर देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे 2016 का जो है हमने लेना है, बेस ईयर लेना है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि जैसे 2017 जो है हमने 2000 की हर एक आइटम को 100 मान लिया, तो यहाँ पे ये लाइबिलिटी वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे 1,60,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100, तो ये 106.67 है। तो यहाँ पे देखो जो इक्विटी शेयर कैपिटल है इंक्रीज़ हो रही है, बट 6. मार्जिनल इंक्रीज़ है। और उसी तरह जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1,20,000 से 4,00,000 हो गया, 4,00,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, तो यहाँ पे 333.63 है, जो कि 233.63 से चेंज हो रहा है। और उसी तरह जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो 14,000 से 18,000 हो गए, तो 18,000 डिवाइडेड बाय 14,000, तो यहाँ पे देखो ये 128.57 है। और उसी तरह जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं हमारे 1,15,000 से वो 1,30,000 हो गए, तो यहाँ पे 1,30,000 डिवाइडेड बाय 1,15,000 इंटू 100, तो ये 113.04 है। और उसी तरह जो बिल पेबल है, देखो यहाँ पे 2,000 है और बेस ईयर में 2,000 है और 2017 में ये 1,000 है, तो यहाँ पे देखो ये डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये पहले से 50% कम हो गया है। और उसी तरह हमारे जो सैंडरी क्रेडिटर है 12,000 से 3,000 रह गए, तो ये 25% से डिक्रीज़ हो गए हैं। और उसी तरह जो अदर करंट लाइबिलिटीज़ हैं 15,000 से 6,000 हो गई है, तो ये भी हमारी डिक्रीज़ हो गई हैं। और उसी तरह जो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है वो 10,000 से 90,000 हो गई है, तो यहाँ पर ये 900 जो है
900 से इंक्रीज़ हुई है। और उसी तरह देखो यहाँ पे हमारी जो ओवरऑल लाइबिलिटी है, टोटल लाइबिलिटी 4,38,000 से 8,080 हो गई है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड है इसका, लाइबिलिटी हमारी जो है 184.47 से इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है कि टोटल जो नेट इंक्रीज़ हुआ है 84.47 हुआ है। और उसी तरह हम एसेट साइड में देखते हैं तो यहाँ पे देखो एसेट साइड के अंदर क्या है कि यहाँ पे जो फिक्स एसेट है हमारे 4,40,000 से 7,23,000 हो गए हैं। तो यहाँ पे बेस ईयर जो है 2016 है, उसको हमने हर एक आइटम को 100 मान लिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एसेट है 174.63 है। तो यहाँ पे हमारे एसेट क्योंकि 100 से वैल्यू ज़्यादा है तो एसेट के अंदर जो चेंजेस है 74.63 से है। और उसी तरह जो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी हमारी 1,000 से 40,000 हो गई है, तो उसके अंदर भी 4,000% से चेंजेस आ रही है। और जो स्टॉक है 10,000 से 25,000 हो गया है, तो इसके अंदर भी क्या है कि 250% से चेंजेस हैं। और उसी तरह ट्रेड रिसीवेबल जो है हमारे पहले से डबल हो गए हैं, तो ये 150% है। यहाँ पे गलती से ये जो है ये लिखा गया है, तो यहाँ पे इसको 150% है क्योंकि 200 है ये, तो इसको हम 200 कर देते हैं क्योंकि 4,000 से ये 8,000 हो गया। और उसी तरह क्या है कि देखो जो हमारा कैश और कैश इक्विवेलेंट है ये भी हमारा 8,000 से ये 10,000 हो गया, तो ये 125% जो है चेंजेस हैं। और उसी तरह जो हमारी करंट एसेट्स हैं ये भी क्या है 1,000 से 2,000 हो गई है। तो यहाँ पे जो हमारी ओवरऑल जो टोटल एसेट्स हैं वो 2016 के अंदर 4,38,000 थी और 2017 के अंदर वो 8,080,000 है। तो यहाँ पे ओवरऑल एसेट्स के अंदर देखो चेंजेस कितनी आई है 184.47, जो कि हमें जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड बताती है कि हमारी जो है आगे से जो काम है प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है पहले से जनरेट मतलब ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से हमारी लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है, एसेट्स भी जो है हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं।